एक नगर में एक राजा रहता था। राजा स्वभाव से उदार और बड़े दिल का होता है। नगरवासी राजा के नगर में सुख से रहते थे। राजा को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। एक बार नगर में बीमारी फैलती है, जिससे नगर में आए दिन किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। कई प्रयासों के बाद भी राजा के वेदगण बीमारी से लोगों को उभारने में नाकाम होते हैं। राजा परेशान था कि ऐसा क्या करें कि ये बीमारी जड़ से ठीक हो जाए। तभी दरबार में एक बाज आता है और देखते ही देखते वो साधु बन जाता है। वो साधु राजा के गुरु होते हैं, जिनके पास असीम शक्तियां होती हैं। उन्हें देखते ही राजा खुश हो जाता है। गुरुजी, आप आ गए। हे राजन, आपकी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। ये सुनते ही राजा विचलित हो जाता है। गुरुजी, मुझे बताइए, इस बीमारी से निजात पाने का उपाय क्या है? मैं और मेरी जनता आपकी हमेशा आभारी रहेंगे। यहाँ से पश्चिम दिशा में नदी पार करने के बाद उत्तर की ओर एक गुफा मिलेगी। उस गुफा में एक शक्तिशाली राक्षस रहता है, और वह राक्षस सालों से एक ऐसी अलौकिक शक्ति की देखभाल कर रहा है, जिससे ना केवल बीमारियां ठीक हो सकती हैं, बल्कि सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन राजन, ध्यान रहे, वो राक्षस बहुत ही खतरनाक है। चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी प्राणी, वो राक्षस गुफा में आने वाली हर चीज को खा लेता है। उसे कोई चीज से डर नहीं लगता, इसलिए तुम्हें बड़ी सावधानी बरतनी होगी। पर गुरुजी, मैं उस राक्षस से कैसे लड़ सकता हूँ? राजन, भले ही वो राक्षस बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है, पर उसकी एक कमजोरी है। वो दिमाग से कमजोर है, मतलब मंद बुद्धि है। इसलिए तुम्हें छल कपट और बल का सहारा लेना होगा। और राक्षस से लड़ने के लिए मैं तुम्हें अपनी शक्तियां देता हूं। मैं तुम्हें अपनी शक्ति से मुर्गी बना दूंगा, ताकि तुम दबे पांव उस गुफा में जा सको। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें मध्य रात्रि में ही उस गुफा में जाना होगा, जब वो राक्षस सो रहा हो। लेकिन गुरुजी, मुर्गी ही क्यों? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्योंकि मुर्गियों की चलने की आवाज नहीं आती है। भले ही उस राक्षस का दिमाग कमजोर है, पर उसके कान तेज हैं। इसलिए ये काम तुम्हें चतुराई से करना होगा। मगर ध्यान रहे, वो अलौकिक शक्ति किसी दुष्ट के हाथ में ना पड़े, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। इतना कहकर वह साधु वहां से चला जाता है। राजा बिना देरी किए तुरंत यात्रा में निकल जाते हैं और एक मुर्गी बन जाते हैं। ये देखते ही नगरवासी राजा की जय हो, राजा की जय हो करते हैं। राजा मुर्गी बन जाता है और आसमान में उड़कर चला जाता है। राजा जैसे ही नदी पार करता है, वो देखता है कि एक छोटा सा लड़का नदी के किनारे बैठकर रो रहा होता है। अरे, ये बच्चा अकेले इस नदी के किनारे बैठकर क्यों रो रहा है? अभी देखता हूँ। राजा मुर्गी के भेष में ही नीचे आता है और उस लड़के से पूछने की कोशिश करता है। क्या हुआ बच्चे, तुम यहाँ रो क्यों रहे हो? मेरी माँ को एक मगरमच्छ पकड़ के ले गया है। रोना बंद करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। मुर्गी अपनी शक्ति से उस मगरमच्छ को ढूंढ लेती है और देखती है कि वो मगरमच्छ एक जादूगर है। आज मैं तेरी बलि देकर अपनी तंत्र विद्या को पूरा करूंगा। जादूगर जैसे ही बच्चे की माँ को बलि देने जाता है, मुर्गी वहाँ पहुँच जाती है और अपनी शक्ति से उस जादूगर को बकरी बना देती है। फिर माँ को बच्चे से मिलाकर आसमान में उड़ जाती है। करीब रात होते होते मुर्गी गुफा के सामने पहुँच जाती है। तो ये है राक्षस की गुफा, लेकिन गुरुजी ने कहा है आधी रात को जाना, तो मुझे इंतजार करना होगा। मुर्गी आधी रात होने का इंतजार करती है और इंतजार करते करते कब सो जाती है पता ही नहीं चलता है। फिर राक्षस के खर्राटे की आवाज से मुर्गी जाग जाती है। अरे, लगता है राक्षस सो गया होगा, खर्राटों की आवाज इतनी जोर से जो आ रही है, यही समय है अंदर जाने का। मुर्गी धीरे धीरे दबे पांव अंदर जाती है
और देखती है राक्षस सो रहा है। इससे पहले ये जाग जाए मुझे वो शक्ति ढूंढनी होगी। मुर्गी राक्षस की गुफा में धीरे धीरे इधर उधर देखती है और उस अलौकिक शक्ति को ढूंढती है, मगर उसे वह नहीं मिलती। इधर एक मक्खी राक्षस के नाक में बार बार बैठती है, जिससे राक्षस जाग जाता है और मुर्गी को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ए मुर्गी, कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चलो अच्छा हुआ तुम आ गई, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा, कच्चा। देख राक्षस, मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, मुझे सिर्फ वो अलौकिक शक्ति चाहिए। तुम मुझे वो दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यह सुनते ही राक्षस हंसने लगता है। क्या तुम मुझे धमकी दे रही है? एक छोटी सी मुर्गी का इतना साहस जो एक राक्षस को ललकारे? ठीक है, आ मुझसे लड़। अगर तू मुझसे जीत गई तो मैं तुझे वह अलौकिक शक्ति दे दूंगा। राक्षस मुर्गी को हाथ में दबोच लेता है। तब मुर्गी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और वह इतना बड़ी हो जाती है कि राक्षस की गुफा टूट जाती है। दोनों में मरने मारने की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां एक तरफ राक्षस आग के गोले बनाकर मुर्गी की ओर फेंकता है, वहीं मुर्गी बैट से गोले को मारती है। फिर राक्षस बर्फ के गोले मुर्गी की तरफ फेंकता है, तो मुर्गी मुंह से आग बरसाकर बर्फ के गोलों को पिघला देती है। फिर राक्षस काला सांड बन जाता है और मुर्गी की तरफ भागता है। ये देखकर मुर्गी पत्थर बन जाती है, जिससे सांड टकरा जाता है और माथा घूम जाता है। ये लड़ाई चलती ही रहती है, ना कोई हारता है और ना ही कोई जीतता है। तभी राजा को गुरुजी की बात याद आती है कि राक्षस मंद बुद्धि है और उसे छल कपट से हराना होगा। रुको, हम लोग कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है हम दोनों एक शर्त खेलते हैं। अगर मैं जीती तो तुम मुझे अलौकिक शक्ति दे देना, और अगर तुम जीते तो तुम मुझे खा लेना। लेकिन शर्त शुरू करने से पहले तुम वह अलौकिक शक्ति मेरे सामने रखो। राक्षस भी लड़ाई से तंग आकर शर्त के लिए राजी हो जाता है और अपने गले की हार से सबसे चमकता मोती निकालकर सामने रखता है। ये मोती ही अलौकिक शक्ति है। अब बोलो शर्त क्या है? कौन सबसे ज्यादा सो सकता है? जो सबसे ज्यादा सोएगा वह शर्त जीत जाएगा। यह सुनते ही राक्षस खुश हो जाता है। तब तो मैं ही जीतूंगा और तुम मेरा खाना बनोगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सोती हूँ, मुझे उठाना मत। मुर्गी झूठ मूठ सोने की कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद कहती है, राक्षस मुझे तो नींद नहीं आ रही है, अब तुम्हारी बारी। ठीक है। थोड़ी ही देर में राक्षस गहरी नींद में चला जाता है और मुर्गी चमकता हुआ मोती ले लेती है और दबे पांव वहां से निकलती है, ताकि राक्षस जाग न जाए। फिर आसमान में उड़कर चली जाती है। फिर कुछ घंटों में अपने नगर पहुंच जाती है। वहां इंतजार कर रहे गुरुजी राजा को दोबारा मुर्गी से राजा बना देते हैं और उस अलौकिक शक्ति से सभी नगरवासियों की बीमारी को ठीक करते हैं और यह नगर फिर से खुशहाल हो जाता है।